श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महर्षि उत्तम स्वामी जी की मुखारविंद से मंदसौर के नयापुरा रोड स्थित माहेश्वरी भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पूर्व भव्य और विशाल शोभा यात्रा चार भुजा नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर कालाखेत रोड नंबर 3 होती हुई नयापुरा रोड माहेश्वरी भवन पहुंची, जिसमें 100 महिलाएं लाल चुनरी पहनकर पारंपरिक वेशभूषा में कलश लेकर शामिल हुई। श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत उत्तम स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, गीता जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को सलाह दी कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मनोस्थिति को सुदृढ़ बनाए रखें। आज कथा के अंत में आरती की गई। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में आज तपन भौमिक, देवेंद्र जी शास्त्री, अंशुल बैरागी, ब्रजेश जोशी, रवि बैरागी, रमा देवी गुर्जर, नम्रता चावला, जमुना बाफना, नारायण सिंह, अम्बालाल चौहान, हरीश विजयवर्गी, बसंत शर्मा आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन काबरा और गर्ग केडिया परिवार की ओर से किया जा रहा है। महर्षि स्वामी उत्तम स्वामी जी के द्वारा मंदसौर नगरी में, दशपुर नगरी में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 17 तारीख से 23 तारीख तक भागवत कथा चल रही है। स्वामी जी के मुखाग्र चित्र से अपन जितने लोग इस कथा का आनंद ले सकते हैं उतने लोग इसका आनंद लेकर लाभ प्राप्त करें। यात्रा से पहले कथा से पहले यात्रा भी निकली, शोभा आज सुबह कथा से पहले शोभा यात्रा निकली, जिसमें फूलों की बारिश होते हुए और ठाकुर जी, भागवत जी सब साथ में चलते हुए और यात्रा सम्पन्न हुई। देखिए अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।